ये है वो बंदा जिस बंदे के आइडिया से ये बन के तैयार हो गया। आइडिया इसका था, सामान मेरा था, पैसा कस्टमर का था, तब बन के ये बाइक 220 से 180 बन गई है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि मुझे देखने वाले सभी मेरे दोस्त अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी फेसबुक पेज को फॉलो करें और YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया। तो आज हम दिखाएंगे आपको एक, कुछ दिन पहले हमारे पास एक बाइक आई थी जो कि बजाज पल्सर 220 थी, तो उसका एक्सीडेंट हुआ था कहीं पे, जिसका बहुत सारा नुकसान हुआ था कि हेडलाइट वाइजर आगे से समझो ऐसा कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हाल थी, जो कि जब हमारे पास आई थी उसकी हालत कुछ ऐसी थी। ऐसी हालत इस बाइक की थी जब ये हमारे पास आई थी, इसकी बिल्कुल कंडीशन पूरा मैं दिखाऊंगा आपको कि अब हमने इसको 220 को किस तरह से मॉडिफाई किया और क्या बना दिया है। तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब ये बाइक हमारे पास आई थी, तो ये पहचान नहीं पाते थे हम क्या ये वाकई में 220 है या 180 है या 150 है। तो अब हम दिखाते हैं आपको ये बाइक, तो इस बाइक को हमने बजाज पल्सर 220 को हमने क्या बना दिया है। तो इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, कस्टमर से हमने सजेशन ले ली, तो उसको मैंने पहले एस्टिमेट दिया था कि अगर आप 220 को 220 के टाइप में ही बना दोगे तो इसमें कितना खर्चा आ सकता है। उसके बावजूद फिर जब मैंने उसको कहा कि हम इसको 180 की शेप दे देंगे, इसमें कितना खर्चा आता है, उसमें कितना खर्चा आता है, वो कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, उसने कहा कि ठीक है आप इसको 220 के बजाय 180 बना दो। तो 180 जब हमने उसको बना दिया, मैं वो बाइक भी आपको दिखाऊंगा उस बाइक को हमने किस तरह से मॉडिफाई किया और क्या क्या चीज़ें हमने चेंज करनी पड़ी, वो बाइक 180 का तैयार हो गई है। असल में इंजन वगैरह सब कुछ जो है ये 220 का है, तो मैं आपको दिखाऊंगा बाइक। अभी वो बाइक तक कंप्लीट हो चुकी है, अभी मैं हमारे सामने ही है, मैं आपको एक एक करके सभी वो चीज़ें दिखाऊंगा और ख़र्चा भी बताऊंगा कि 220 को अगर चेंज करेंगे 180 की शेप में बना देंगे तो उसमें कितना खर्चा आता है। वो बाइक जो 220 थी, पल्सर 220 थी, आप खुद देख सकते हैं क्या ये 220 दिखती है या नहीं दिखती। अभी ये हमने इसको कल तैयार करके रखा था, अभी मैकेनिक भाई है तौहीद भाई, वो लेके आ रहा है इसको बाइक को, तो मैं दिखाऊंगा आपको इस बाइक में हमने कौन कौन सी चीज़ें चेंज किए ताकि ये 220 से बन के 180 तैयार हो गई है। सबसे पहले हमने, मैं आगे का दिखाऊंगा आपको, सबसे पहले हमने इसका अंदर वाला ये जो होता है, ये बेस जो होती है, इसको हमने नया डाल दिया है। उसके बाद से हमने मीटर बेस इसको डाल दी है और मीटर गिलास भी इसका हमने डाल दिया है नया, तो और इंडिकेटर दो नए डाल दिए हैं। उसके बाद से हमने वाइज़र इसका चेंज कर दिया और विंडशील्ड चेंज किया और हेडलाइट जो इसकी है वो हमने चेंज कर दी है और टैंकी जो इसकी है ये तो इसको 180 की लगा ली हमने, सेकंड हैंड ही लगा दी इसकी 220 की, उसमें 220 वाली में ये जो TPFC है वो नहीं लगते हैं, अब हमने 180 वाली टैंकी इसमें लगा दी है। उसके आगे से TPFC नई लगा दी है, टैंकी बिल्कुल सेकंड हैंड है, तो ये हो गया इतना। तो आगे से हमने फ़िलहाल इसको इतना ही चेंज किया है, बाकी पीछे से भी इस भाई ने इसमें टेल पैनल जो है वो नया लगवा दिया है, टेल पैनल भी नया लगा दिया है। और इसके बाद इसकी ब्रेक लाइट जो है, टेल लाइट जो है, ये भी कस्टमर ने खुद ही नई लगवाई है, और इसका रियर वाला टायर जो है ये भी अभी इसने हमसे ही लिया है तो नया ही लगा लिया है, कुछ इंडिकेटर भी लगाए, पूरा कुल मिला के इसमें खर्चा उतना नहीं आया है जितनी का इसको 220 का वाइज़र और हेडलाइट आ जाती। तो ये आपके सामने बाइक बन के तैयार है। तो अगर आपको हमारी ये सजेशन अच्छी लगी तो हमने इस बाइक को ठीक तरह से 220 से लेकर 180 बना दिया है, क्योंकि इसमें ये हमने क्यों बनाया, मैंने ये सजेशन इसलिए दी है कि खुदा ना खास्ता अगर कभी कभार 180 या 220 में एक्सीडेंट होता है, उसका वाइज़र टूटता है, वाइज़र बहुत महंगा है, हेडलाइट बहुत महंगी है, जितने का 220 की हेडलाइट आती है उतने में इसको वाइज़र हेडलाइट प्लस पूरा आ जाएगा सामने से, तो इसलिए हमने खर्चा कम करने के लिए इसको चेंज कर दिया। एक बार में थोड़ा सा खर्चा करना पड़ा, फिर भी उतना खर्चा नहीं हुआ जितने का इसका वाइज़र हेडलाइट आ जाता है। तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और ये हमारी सजेशन आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, शुक्रिया।